आइए आज देखते हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता मतलब इंग्लिश में हम इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये हमारे गणित का सबसे आखिरी चैप्टर है मगर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि प्रायिकता के अनेक उदाहरण और प्रायिकता मतलब क्या होता है। यह हमारी सूची यानी कि इंडेक्स है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रायिकता चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम प्रायिकता का एक परिचय यानी कि एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि प्रायिकता क्या होता है, इसके अनेक प्रयोग क्या है। एक आध हम उदाहरण भी देख लेंगे, ठीक है। फिर हम एक प्रयोग देखेंगे कि प्रायिकता का प्रयोग क्या होता है। फिर हम क्या देखने वाले हैं कि आनुभविक प्रायिकता क्या होता है, ठीक है। अनुभवी प्रायिकता मतलब प्रायिकता हम कैसे ढूंढेंगे, और कुछ एक दो उदाहरण भी देखेंगे, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन देख के इस प्रायिकता को बंद कर देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। आइए अभी हम प्रायिकता का परिचय लेने की कोशिश करते हैं। परिचय मतलब क्या, इंट्रोडक्शन। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। क्या आप जानते हैं प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? एक मिनट सोच लीजिए, सोचिए और जानने की कोशिश कीजिए कि प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। किसी भी चीज़ की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य हो उसके होने की संभावना। संभावना यानी कि क्या, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रायिकता। सो किसी भी चीज़ की होने की संभावना, किसी भी कार्य के होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि आज वर्षा की संभावना क्या है। मतलब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। हम ये निश्चय रूप से नहीं कह सकते हैं कि आज वर्षा हो रही है, हम सिर्फ उसके होने की संभावना को तय कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण के लिए ले लीजिए, आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का सहयोग 50-50 यानी कि 50-50 है। यानी कि हम संक्षिप्त रूप से नहीं कह सकते हैं कि भारत टॉस जीतने वाला है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसके जीतने की प्रायिकता 50-50 है। तो मैं होप करती हूँ कि इन उदाहरणों से आपको प्रायिकता का अर्थ समझ आया हो, और आप अभी आप अपने खुद के भी प्रायिकताओं के उदाहरण बना लीजिए। अभी मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट ले और अपने मन में सोचे प्रायिकता के अनेक उदाहरण। चलिए अब हम प्रायिकता का प्रयोग जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक गेम खेलना होगा। आप सबको गेम्स खेलना तो बड़ा पसंद होगा, तो गेम खेलने के लिए आपको एक सिक्के की ज़रूरत होगी। तो सब अपने पास एक एक सिक्का रख लीजिए। चलिए मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ, फटाफट एक सिक्का लाइए। अभी आपको क्या करना है सिक्के के साथ, इस सिक्के को आपको 10 बार उछालना है। अब आप जानते हैं कि इस सिक्के को आप 10 बार उछालेंगे, तो चलिए सिक्के को 10 बार उछालते हैं। क्या आपने सिक्के को 10 बार उछाल लिया? मैंने तो कर लिया। अभी आपके सिक्के पर एक जगह चित होगा और एक जगह पट होगा। अभी हमें जानना है कि चित आने की क्या संख्या है और पट आने की क्या संख्या है। तो आपने अपने सिक्के को 10 बार उछाला और 10 अलग अलग बार आपको कभी चित आया होगा, कभी पट आया होगा। तो क्या आपने एक नोटबुक या पेपर पे लिखा कि आपको कितने बार चित आया और कितने बार पट आया? अभी अगर आपने नहीं लिखा हो तो अपने सिक्के को वापस 10 बार उछालिए, और हर बार आप जब उछालेंगे तब देखिए कि आपको या तो चित आया होगा या तो पट आया होगा। अगर चित आया तो चित लिखिए, पट आया तो पट लिखिए, ठीक है। फिर हम जानने की कोशिश, अगर आपने ये कर लिया हो तो फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि 10 बार सिक्का उछालने के बाद आपको कितने बार चित आया और कितने बार पट आया। अभी उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अगर मैंने अपना सिक्का 10 बार उछाला और मुझे 5 बार चित आया, तो मैं कहूँगी कि मेरे चित आने की प्रायिकता है 5/10 यानी कि 5/10 है।
मतलब अगर मुझे 5 बार चित आया 10 बार उछालने से, मतलब मुझे 5 बार पट आया होगा 10 बार उछालने से, तो मेरी पट आने की संभावना या प्रायिकता क्या है? 5 out of 10, यानी कि 1/2 होता है। क्या आप समझ गए? अगर मैंने चित 10 बार उछाला और मुझे 6 बार चित आया और 4 बार पट आया, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? आप ये खुद करके देखिए। आपने सिक्का 10 बार उछालने के बाद अगर आपको जानना है कि कितने बार चित आया और कितने बार पट आया, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा सूत्र है। आप क्या सूत्र यूज करेंगे? चित आने की संख्या अपॉन सिक्का उछालने की कुल संख्या। उदाहरण के लिए, अगर आपको 4 बार चित आया 10 बार उछालने से, तो आपकी चित आने की संख्या 4 है, और आपने कितने बार सिक्का उछाला? 10 बार। तो आपकी चित आने की टोटल प्रायिकता है 4/10, यानी कि 4/10। तो अगर आपको 4 बार सिक्का आया, 4 बार चित आया, तो आपको कितनी बार पट आया होगा? 6 बार। तो आपके पट आने की प्रायिकता क्या है? 6/10, 6/10, ये आपकी पट आने की प्रायिकता है। इससे आप जान सकते हैं कि कितनी बार चित आया और कितनी बार पट आया। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आनुभविक प्रायिकता क्या होता है। आनुभविक प्रायिकता का अंग्रेजी में अर्थ होता है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अभी ये इसको बहुत ही आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आनुभविक प्रायिकता, आनुभविक प्रायिकता का निम्न से परिभाषित है। आनुभविक प्रायिकता मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना क्या है। किसी भी चीज़ की होने की संभावना है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये हमारा किसी भी चीज़ के होने की संख्या यानी या प्रायिकता का फॉर्मूला यानी कि सूत्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो पूरे चैप्टर में हम अपनाने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हैं, तो एक नोटबुक और पेन लीजिए और इस सूत्र को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सूत्र को याद कर लीजिए, क्योंकि अब पूरे चैप्टर में हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं कोई भी तरीके का उदाहरण सुलझाने के लिए। तो मैं वापस दोहराना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता क्या है, किसी भी कार्य की होने की प्रायिकता क्या है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी हो अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। हमने पिछले उदाहरण में देखा कि चित आने की संख्या क्या है, तो इसमें हमारा अभिप्रयोग क्या है? चित आने की संख्या अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि हमने कितने बार सिक्का उछाला। तो अगर हमको 4 बार चित आया, तो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी हो, तो 4 बार चित आया है अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि हमने 10 बार सिक्का उछाला, तो हमारा जवाब क्या होगा? 4/10 या फिर 4/10। चलिए दिए गए सूत्र को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जवाब देखने से पहले आप इस प्रश्न को खुद करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। तो उदाहरण ये है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बराबरियां सारणी दी है। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये एक हमको सारणी टेबल दिया है। तो परिणाम, तो एक हमारे पास डाइस है, उस पे क्या क्या परिणाम आ रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 12 बार था 179, 150, 177, 157, 149, 175, 190। तो ये तो हमने अगर एक डाइस को 1000 बार फेंका, यानी कि एक पासे को 1000 बार फेंका, तो हमको जो 1 है वो 179 बार आ रहा है, जो 2 है वो 150 बार आ रहा है, जो 3 है वो 157, जो 4 है 149 बार आ रहा है, जो 5 है वो 175 बार आ रहा है, जो 6 है या जो छठा नंबर है वो 190 बार आ रहा है। अब हमको जानना है कि परिणाम 1 आने की या 1 आने की प्रायिकता क्या है। तो उसके लिए हम क्या सूत्र अपनाएंगे? 1 की 12 बार अपॉन पासे फेंकने की कुल संख्या। तो हमको 1 कितने बार आया? 179 बार आया, और पासे फेंकने की कुल संख्या क्या है? 1000। तो हमारा 1 आने की परिणाम की प्रायिकता क्या है?
179/1000। ऐसे ही हम दो आने की प्रायिकता ढूंढ सकते हैं, तो हमको दो आने की बारंबारता क्या है 150, और पासा फेंकने की कुल संख्या क्या है 1000। ऐसे ही तीन कितने बार हमको आया 157 टाइम्स, और पासा फेंकने की कुल संख्या क्या है 1000। ऐसे ही हमने चार की प्रायिकता, पाँच की प्रायिकता, छः की प्रायिकता ढूंढी। अभी हम देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पाँच और छः की पूरी प्रायिकता को अगर हम ऐड कर ले, यानी कि पूरा उसको हम लोग उसका योग कर ले, तो हमको वन आता है, नंबर वन। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि किसी भी कार्य की होने की संभावना या प्रायिकता का पूरा योग एक होता है। यानी कि अगर एक कोई इवेंट हो रहा है तो उसको और उस तो उसकी पूरी उसके होने की प्रायिकता नंबर वन एक होती है, और किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता शून्य और एक के बीच में होती है। अभी दूसरा उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिए गए हैं। इसके अनुसार बताइए कि 70% ज़्यादा आने की क्या प्रायिकता है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि यूनिट परीक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राप्त अंकों का प्रतिशत 69, 71, 73, 68 और 74 है। तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। जवाब देखने से पहले आप इसको खुद एक बार इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। अभी चलिए जवाब देखते हैं। अभी तक 5 यूनिट टेस्ट हुई है, इनमें से 3 यूनिट टेस्ट में उन्हें 70% से ज़्यादा मिला है। तो 70% प्रतिशत से ज़्यादा होने की प्रायिकता क्या है 5 में से 3, तो 3 out of 5 इसकी हमारी प्रायिकता है। चलिए अब हमारा ये चैप्टर प्रायिकता अब समाप्त हुआ। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या समझा और क्या हुआ। तो इस कंक्लूजन में हम एक एक करके देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस चैप्टर प्रायिकता में क्या पढ़ा। किसी भी कार्य की होने की प्रायिकता शून्य और एक के बीच में होती है, ये तो हम समझ ही गए। सब कार्यों की प्रायिकता का योग एक होता है, तो किसी भी कार्य के होने की पूरी संभावना एक होती है और वो शून्य और एक के बीच में होनी चाहिए। तो अगर ठीक है, एक ज़रूरी सूत्र जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि किसी भी कार्य के होने की प्रायिकता है अभिप्रायों की संख्या जिसमें घटना घटी हो अपॉन अभिप्रायों की कुल संख्या। मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रायिकता ये चैप्टर समझ आया हो। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रायिकता ये चैप्टर समझ आया हो, आपको मुझसे सीखने में मज़ा आया हो और आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आया हो। धन्यवाद।